हाँ जी मैम, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम दिव्या है। ओके। और मैंने 7 साल पहले राइनोप्लास्टी करवाई थी कहीं और, तो मेरे को एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो भी था कि मेरे को डीएनए प्रॉब्लम थी वहाँ पे, मतलब क्या इशू था जहाँ पे आपने पहले करवाई थी? मैं 3 साल की थी तो ट्रॉमा की वजह से मुझे डीएनए हो गया था, तो मेरी थोड़ी सी डेविएटेड हो गई थी, सेप्टम डेविएटेड था, तो मेरे को उसको स्ट्रेट करवाना था। ओके। लेकिन पहली बार जब करवाया था स्ट्रेट नहीं हो पाया पूरा, वो काफ़ी डेविएटेड ही था, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ था, तो फिर अभी 7 साल बाद में वापस सोचा कि करवाना चाहिए। तो डॉक्टर सुनील तवर जी के लिए, मतलब किसने बताया आपको यहाँ के? पेपर में ऐड आया था उनका, तो वहाँ से देखा था कि नक्श राइनोप्लास्टी सेंटर है, तो फिर उनके बारे में थोड़ा पता किया, वेबसाइट भी चेक की उनकी, तो फिर पता चला कि कैसा लगा उनका फीडबैक, कैसा मतलब कैसे मतलब आपको पता चला, कैसा उनकी फ़ोटोज़ जो उनकी वेबसाइट पे थी जिनकी उन्होंने पहले राइनोप्लास्टी की है, तो वो देख के तो लगा कि इनके लिए सोच सकते हैं, क्योंकि इम्प्रूवमेंट था पहले की जो फ़ोटोज़ थी उनमें। तो फिर यहाँ पे आए और डॉक्टर का बिहेवियर भी बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा बिहेवियर है और सर बहुत ही पोलाइट हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है ये चीज़। हाँ, तो फिर सर पे थोड़ा भरोसा भी हुआ जब पहली बार कंसल्ट किया कि इनसे करवा सकते हैं, और उन्होंने बताया भी कि वो क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी, क्या क्या स्कोप है मेरी नोज़ में इम्प्रूव करने का। तो फिर तो जो पहले आपका था इशू जहाँ पे आपने पहले करवाया था, और यहाँ पे डॉक्टर सुनील तवर जी से मिलके, मतलब अब आपको कैसा लग रहा है, अब कैसा फील कर रहे हैं आप अपनी नोज़ को लेके? अभी मैं फुली सेटिस्फाइड, मतलब जो प्रॉब्लम थी वो आपकी सॉल्व हो गई, जो इशू था जो स्ट्रेट करवाना था वो अभी स्ट्रेट हो गई है। मैम आप बताएंगे, आप इनके मदर है, आप थोड़ा ज्यादा मतलब इनके, मैं बहुत परेशान थी इसकी नोज को लेके, एक बार सर्जरी करवा चुकी थी तो ये लग रहा था कि अब क्या होगा, एक बार करवा भी लिया फिर भी ठीक नहीं हुई, तो हम मिले डॉक्टर साहब से, तो उसके पापा ने भी ये कहा कि ये जिस तरीके से समझा रहे हैं इससे लग रहा है कि ये ठीक कर देंगे, अपन यहीं से करवा, मतलब आपको बहुत अच्छा लगा डॉक्टर? बहुत अच्छा लगा, और जो प्रॉब्लम थी 99% सॉल्व हो गई, हम्प निकला हुआ था वो ठीक हो गया, और नीचे से डेविएट थी वो ठीक हो गई, सीधी नहीं लग रही थी सीधी लग रही है, तो हम बहुत सेटिस्फाइड, मतलब आज आप बहुत हैप्पी हैं डॉक्टर सुनील जी से मिलकर? जी, हम बहुत आशीष देते हैं सुनील जी को, ये फले फूले उनका क्लिनिक खूब चले और सारे इनके केस ऐसे ही सफल होते रहे। थैंक यू सो मच।